किसानों की सरकार के साथ 11वें दौर की बातचीत आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। किसानों की ट्रैक्टर मार्च पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की अर्जी लगाई है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज अहम बैठक। सिंघू बॉर्डर के पास होटल में होगी मीटिंग। 23 और 24 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर किसान संसद लगेगी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने कहा कि किसानों के साथ 21 जनवरी को पहली मीटिंग करेंगे। आज की बातचीत ने किसान नेता राकेश टिकैत ने बयानबाजी की, कहा कि बातचीत के लिए आज की तारीख ही खराब है। राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा आरोप, सरकार पर किसानों को डराने का लगाया आरोप। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर सख्त होगी सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर आर्मी के जवानों को तैनात किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंची एक्ट्रेस गुल पनाग, सरकार से जल्द मामले को सुलझाने की अपील की। पीएम आवास योजना में लाखों लोगों को मिलेगा चेक, प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे सौगात। हर जनजातीय गांव में 25 युवाओं को मिलेगी नौकरी, नितिन गडकरी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को के लिए योजना बनाने के लिए कहा। लॉकडाउन के बाद कारोबारी गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है। 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनीज फ्रेशर्स को करीब 1 लाख नौकरियां दे सकती हैं। 30 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक राज्यसभा और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। बजट सेशन से पहले संसद में कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गई है। हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। जोधपुर में आज से दिखेगा लड़ाकू विमान रफेल का जलवा, भारत फ्रांस एक साथ करेंगे युद्धाभ्यास। जेईई एडवांस के मुताबिक अब मेंस में स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिल चुकी है। एनआईटी आईआईटी की एडमिशन के लिए 12वीं में 75% मार्क्स जरूरी है। गुप्कार गैंग से सज्जाद लोन की पार्टी हुई बाहर। सज्जाद लोन ने डीडीसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए डमी प्रत्याशी उतारने का लगाया आरोप। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ हल्ला बोल, विदेशी फंड मामले में चुनाव आयोग के बाहर मरियम नवाज का विशाल जलसा। तांडव पर जी हिंदुस्तान की मुहिम का बड़ा असर, डायरेक्टर अली अब्बास ने बयान जारी कर कहा कि तांडव से विवादित सीन हटाए जाएंगे। आज से मित्र देशों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू करेगा भारत। सबसे पहले नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार को कोरोना की वैक्सीन भेजी जाएगी। कोविशील्ड की पहली खेप आज जो मालदीव पहुंचेगी, भारत से वैक्सीन पाने वाला पहला देश होगा। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। केवल 0.18% लोगों में साइड इफेक्ट नजर आए। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की ट्रायल को भी मंजूरी मिली है, इसका सिर्फ एक डोज लेना होगा। वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने की उम्मीद। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। दिल्ली में आज अहम बैठक बुलाई गई। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता मौजूद होंगे। चुनाव आयोग की टीम आज 3 दिन के बंगाल दौरे पर जाएगी, चुनाव को लेकर के तैयारियों का लेगी जायजा। जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा कि ममता और टीएमसी में बौखलाहट है। नड्डा ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दिया चैलेंज, कहा कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से पहले पूर्व सीएम का लेटर पैड तैयार कर लें। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर निशाना साधा, कहा बंगाल का काला अध्याय लिख रही है ममता। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बंगाल में किसी भी लड़ाई को दी चेतावनी और कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी हुई है, एक की मौत, कई घायल। मुंबई से सटे थाने में स्वामी नारायण हॉल में अचानक से लगी आग, आग से भारी नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अहमदाबाद में अम्बेडकर हॉल में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार अमर खालिद शर्जील इमाम की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली का कड़कड़ जुमा कोर्ट ने 2 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के खेड में पंचायत चुनाव जीतने पर पत्नी ने पति को कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया है, गांव में जुलूस निकालकर जश्न मनाया। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा कि शादीशुदा व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध रखना अपराध है, शादीशुदा महिला का दूसरे पुरुष के साथ लिव इन नहीं रह सकती। अजीत सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने घायल शूटर के इलाज के लिए डॉक्टर को फोन किया था, डॉक्टर के कबूलनामे के बाद धनंजय सिंह की मुश्किल बढ़ने तय है।
सीएम योगी ने 436 नवनियुक्त अध्यापकों को ऑनलाइन बांटे नियुक्ति पत्र। कहा कि हमारी सरकारों में पारदर्शी व्यवस्था है, बिना लेन देन के हो रही है नियुक्तियां। राम मंदिर निर्माण को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का विवादित बयान, धन संग्रह अभियान को बताया उगाही का जरिया। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के परिवार को अपशब्द कहने पर दो नेताओं को जेल। बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर भेजे गए जेल। सीतापुर जेल में बंद एसपी सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सरकार के नाम हुई जौहर ट्रस्ट की 70 हेक्टेयर जमीन। 16 जनवरी को कोर्ट ने आदेश दिया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण से करीब 2500 फाइलें गायब करी गई हैं। कई बाबुओं के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। ग्वालियर में वेब सीरीज सांझव के खिलाफ हिंदू सेना ने निकाला मार्च। सरकार से देवीनंदा कानून बनाने की मांग की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। 19 फरवरी से 24 मार्च तक विधानमंडल का सत्र चलेगा। पटना में प्राथमिक शिक्षा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई अभ्यर्थी हुए घायल। काउंसलिंग की तारीख तय नहीं होने का कर रहे हैं विरोध। ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ा तो ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। रेगुलेटर ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया। ई कॉमर्स में विदेश निवेश के नियम बदल सकती है सरकार। जिस कंपनी में हिस्सेदारी होगी उसके प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे ये प्लेटफॉर्म। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आज रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। कोविड-19 की वजह से शपथ ग्रहण में सिर्फ 1000 मेहमान शामिल होने वाले हैं। दक्षिण एशिया मूल की कमला हैरिस भी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनेंगी। कहा कि आगे कई चुनौतियां हैं, इनसे निपटना आसान नहीं होगा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वॉशिंगटन के किले में तब्दील हुआ। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।